हाँ जी कई बार मुरलियों में बृहस्पति दशा के बारे में बाबा ने बताया। बृहस्पति दशा के बारे में माना बाबा की छत्र छाय की दशा है ना बाबा बृहस्पति दशा में। बृहस्पति कौन है? सागर बाबा। बृहस्पति का शुद्ध अर्थ है बृहस्पति, छोटा मोटा पति नहीं, जैसे राजाएं होते थे 100-200-400 रानियां भी रखते थे तो बड़े पति हो गए ना, लोग क्या समझते थे ये बहुत पत्नियों का बड़ा राजा। लेकिन दुनिया में जितने राजाएं हुए हैं ढेर की ढेर रानियां रखने वाले, उन सब का पति, पतियों का भी पति, इतनी पत्नियां दुनिया में कोई और रख ही नहीं सकता। और चलो कोई रखता भी हो तो उनके साथ निभा सकेगा? स्नेह करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह को, संबंध को निभाना बड़ी बात है। वो निभाने का कार्य वो एक ही कर सकता है, जिसे भगवान कहा जाता है। आया समझ में? हाँ, उसको कहेंगे दुनिया का बड़े से बड़ा प्यार का सागर। क्या वो जोर जबरदस्ती किसी को कंट्रोल नहीं करता, कैसे कंट्रोल करता है? प्यार का सागर है, इसलिए उसको बृहस्पति कहते हैं। उसकी दशा में आएंगे तो कभी घाटा नहीं हो, घाटा नहीं हो सकता। हाँ, उसकी दशा में अगर 60 है ना बाबा, शनि का 60 शनि का 7.5 हाँ, उसी दशा में शनि का 7.5 आ गया तो उसकी प्रभाव उनमें, वो अपने आप नहीं आता है। शनि का कोई पत्नी की जिंदगी में कोई दूसरा इंटरफियर अपने आप कर सकता है या दोनों हाथ से ताली बजती है? दोनों हाथ। तो फिर तो आ नहीं जाता है, उसको निमंत्रण दिया जाता है। क्या कहा? निमंत्रण दिया जाता है, तब उसकी हिम्मत पड़ती है दरवाजे पे पांव रखने की। होता है, होता है, लेकिन कब होता है? तब ही होता है जब उसको निमंत्रण दिया जाता है। कोई भी ग्रह की दशा हो, ग्रह सब एक जैसे पावरफुल हैं या पावर में अलग अलग है? अलग अलग है। ज्ञान न होने के कारण, परख शक्ति न होने के कारण, और परख शक्ति न होने का मूल कारण है ज्ञान को न धारण करने के कारण, या बाप को न पहचानने के कारण औरों ग्रहों के चक्कर में फंस जाते हैं, तो उन ग्रहों की दशा में अंदर आ जाते। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी भी ऐसे ही चल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, शूटिंग हो रही है। और कलयुग में दाज क्यों नहीं दिखाते बाबा? कलयुग में पाप इतने बढ़ जाते हैं, स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि परमार्थ करते ही नहीं है। जो जिम्मेवारी का ताज मिले,
संगम युग में जिसने जितना ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने की जिम्मेवारी उठाई है, उनको जन्म जन्मांतर उतना ही बड़ा ताज मिलता है। ये ताज द्वापर युग तक सीमित रहता है। द्वापर युग तक जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो सुखी रहती हैं, कलयुग में सुखी नहीं रह पाते। ताज राजाई का ताज, जिम्मेवारी का ताज कभी इस्लामी छीन लेते हैं, कभी मुगल छीन लेते हैं, कभी क्रिश्चियन छीन लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? हैं? इसलिए ऐसा होता है कि जब चारों युगों की शूटिंग हुई थी तो कौन सी आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान ले रही थी? ईश्वरीय ज्ञान को कौन सी आत्माओं ने ज्यादा समझा था? सूर्यवंशियों ने ज्यादा समझा, चंद्रवंशियों ने ज्यादा समझा, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन किसने ज्यादा समझा? और सूर्यवंशी सबसे पुराने भी हैं। जो इस्लामी हैं और जो क्रिश्चियंस हैं वो बहुत बाद में आए, तो जो नए नए आए हैं बाद में आए हैं उनकी बुद्धि सात्विक होगी, या पुराने पुराने जो जीर्ण बूढ़े हो गए तमो प्रधान बन गए उनकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी? तमो प्रधान बनने वाले तो श्रेष्ठ नहीं होता ही रहता। हाँ जी, तो कलयुगी शूटिंग तक पहुंचते पहुंचते ये सूर्यवंशी आत्माएं जरा जीर्ण हो जाती है, तामसी बन जाती है। कैसे बन जाती है तामसी? अनेक जन्म लेकर? नहीं, अनेक जन्म तो लेते हैं, लेकिन अनेक जन्म लेने में जो इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन और धर्मों की आत्माओं के संग के रंग में फंस जाते हैं, बाप को छोड़ देते हैं, उनके संग के रंग में आकर के ये बड़े कामी क्रोधी लोभी मोही बन जाते हैं। अरे इतने ऊंचे बाप के बच्चे तो ये इतने नीचे कैसे गिरते हैं? इतना अगर नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊंचा, वो एक अलग बात। मूल बात है कि बड़े आदमी का बच्चा कुसंग में फंसता है और छोटे आदमी का बच्चा कुसंग में फंसता है, तो ज्यादा कौन गिरेगा? बड़े आदमी। तो बड़ा आदमी शिव बाप, उससे बड़ा बाप तो दुनिया में कोई होता ही नहीं। तो उसके जो बच्चे हैं वो कलयुग की शूटिंग आते आते संग के रंग में आते आते कुसंग में गिरते गिरते बहुत तमो प्रधान गलीज बन जाते हैं। बिल्कुल अंत में आई ना बाबा। हाँ जी, कलयुग में आकर के ऐसा ही होता है। पृथ्वीराज चौहान के बाद किसकी राजाई चली भारत में? भारत का कोई सम्राट बन पाया है जो अपन को देवी देवता सनातन धर्म के कहते हैं, उनमें कोई पूरे भारत का सम्राट बन सका? नहीं, नहीं। चंद्रगुप्त बना था, वो तो द्वापर के आदि में बना। अशोक बना, वो भी द्वापर में बना। यहां तक आते आते ये भारतवासी अति के तमो प्रधान बन जाते। अति के तमो प्रधान बन जाने के कारण ये शासक बनेंगे या दास दासी बन जाते हैं? अपन इंद्रियों के ही दास बन जाते हैं, तो राजाओं के भी दास बन जाते हैं। मुरली में उसको ऐसे कंपेयर किया जैसे एससी एसटी निम्न जाति जो है। हाँ जी, सूर्यवंशी को ऐसे शूद्र बन गए। और
जयचंद्र कौन था बाबा? जयचंद्र, पृथ्वीराज जयचंद्र। जयचंद्र वो कौन है? जय माने जीत हो गई, अचंद माने चंद्रमा, ऐसा ज्ञान चंद्रमा जिसकी जीत हुई। अच्छा, यज्ञ के आदि में उसकी जीत हुई या नहीं हुई है? 47 में ज्ञान चंद्रमा की जीत हुई या नहीं हुई? अरे जीत हुई ना, तो वो जयचंद है। क्या है? जयचंद। पृथ्वीराज चौहान से टक्कर होती है। और रानी संयुक्ता? और रानी संयुक्ता संयोगिता, संयोगिता उसकी पुत्री है, जयचंद्र का पुत्री, जयचंद्र की पुत्री है। तो ब्राह्मण की संगम युग दुनिया में पुत्री है या नहीं? पुत्री है। कहाँ का राजा था जयचंद? नहीं, नहीं, कन्नौज का राजा था। कन्नौज, कन्नौज, नौज बिल्ला कहते हैं ना। क्या नौज बिल्ला लगा रखा है, लड़ाई झगड़ा लगा रखा है। कत माने कितना नौज बिल्ला लगाया है। हनुमान का पार्ट है ना, किसका? ब्रह्मा का। हनुमान जो है वो बचपन में बहुत जिज्ञासाएं करता था, बहुत प्रश्न पूछता था या नहीं है? बहुत प्रश्न पूछता, उसके प्रश्नों का कहीं कोई समाधान ही नहीं मिलता था। आखिरी उसके प्रश्नों का समाधान कहाँ मिला? सूर्य, ज्ञान सूर्य शंकर के पास जाकर के, शिव शंकर भोलानाथ जिसे कहते हैं, वहां से समाधान मिला। तो टैली करना है, हिस्ट्री को भी टैली करना है ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में। टैली करेंगे तो और ज्यादा खुशी आएगी। तो उस समय जयचंद के समय में कौन भारत का सम्राट था? पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के तख्त पर विराजमान था। वो पृथ्वीराज चौहान के बाद फिर कोई भी भारतीय राजा भारत का सम्राट नहीं बन सका। छोटे मोटे राजाएं भले बनते रहे हों, उनको भी कोई न कोई के अधीन रहना पड़ता था। अगर कोई को अधीन नहीं रहना पड़ा, कोई राजा को, या कोई अधीन नहीं हुआ, तो वो एक ही पार्टधारी है, नारायण वाली आत्मा, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है कि नारायण की कभी भी हार नहीं हुई किसी युद्ध में, हर युद्ध में विजयी हुआ। संगम युग में भी विजयी होता है तो द्वापर कलयुग में भी विजयी रहता है, हार नहीं मानता। ऐसे कोई राजा हुए या नहीं हुए हिस्ट्री में? सिर्फ एक ही बाबा जी। एक क्यों है? हार नहीं मानता। महाराणा प्रताप है, उसने अकबर से हाथ में हार नहीं मानी। जन्म ना शिवाजी है, शिवाजी जिन्होंने मुगलों से हार नहीं मानी। ये सब तो साकार बात, इसलिए इन सारी बातों को जो हिस्ट्री में आई है, शास्त्रों में आई है, उनको संगम युग से टैली करना चाहिए। क्योंकि बाप कहते हैं
मैं शास्त्रों का सार बताता हूँ। मनुष्यों ने तो उल्टा अर्थ करके निस्सार बनाई दिया, अर्थहीन बताई दिया। मैं उसका आकर के सही अर्थ बताता हूँ। और आत्मा तो एक ही है बाबा, जैसे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। किस आत्मा में? साकार बाप में, साकार बाप की ये 63 जन्मों की पार्ट है ना, जो ही शिवाजी हो यानी पृथ्वीराज सिंह हो यानी राणा प्रताप हो, ये सब साकार बाप की पार्ट है। आत्मा तो यही है सचिनारायण। मना जो कभी हारता नहीं है, भले कितना ही संघर्ष करना पड़े, सारा जीवन भी संघर्ष करना पड़े तो भी हार मानने वाला नहीं है। नीचे से नीची स्टेज में भी आ जाए, दुनिया की नजरों में, तो भी ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है एक ही जन्म के पुरुषार्थ में। इतना तीव्र पुरुषार्थ करने के संस्कार हैं उसके अंदर। कौन से जन्म में वो संस्कार भरे? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में शिव बाबा की श्रीमत पर चल करके वो संस्कार भरे हैं। जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। अब बेचारी बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, ज्ञानी बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, पवित्र रहने वाले बच्चों को बहुत पसंद करते हैं। और भगवत गीता में प्रथम अध्याय है अर्जुन की विषाद विषाद अध्याय, ये है कि धर्म युद्ध है ना बाबा है? ये धर्म धर्म युद्ध है ना बाबा हाँ? ये धर्म युद्ध में अर्जुन अपने विकारों पर जीत कर रहा। अर्जुन ने अपने विकारों पर जीत कर रहा, जीत पाया हाँ? तो क्यों विषाद विषाद हो गया बाबा है? पहले विषाद है ना बाबा अर्जुन, पहले अर्जुन विषाद विषाद अध्याय है ना बाबा। विषाद इसलिए होता है कि जो जन्म जन्मांतर विकारी बनता रहा है तो बुद्धि दुखमयी बनेगी या सुखमयी बनेगी? तो विषाद नहीं पैदा होगा। और कमजोरी आती कहाँ से है? विकारों से कमजोरी आती है। ये रावण का संग करने से भी कमजोरी आती है। अपने रूप को भूल गए कि हम ज्योतिबिंदु आत्मा हैं। अपने को क्या समझ लिया? देह समझ लिया। मैं देह हूं। कोई भी जन्म लिया हो, राजा का जन्म लिया हो तो मैं राजा हूं, मेरा ये कुल है, मेरे कुल में एक लिंग स्वामी की पूजा होती आई है, दूसरे लिंग को नहीं माना है। अरे बड़ा नशा चढ़ा हुआ है, ये देह की परंपरा का नशा चढ़ा है, दैहिक वंश का नशा चढ़ा हुआ है या आत्मा का नशा चढ़ा हुआ है? दैहिक वंश का नशा चढ़ा हुआ है। तो देह जो है वो विनाशी है, पांच तत्वों की है। विनाशी देह में बुद्धि योग रहने के कारण बुद्धि कैसी हो गई? नीचे गिरती चली गई, भ्रष्ट बुद्धि हो गई। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रमात बुद्धि नाश। और स्मृति लब्धा,
आखिर में कहते हैं तो आदि में भी तो ऐसे ही होंगे, आदि सो अंत होते हैं या नहीं? तो जब वो आत्मा है जो नष्टो मोहा की स्टेज को प्राप्त करने वाली है और धर्मराज की सजाओं को खाने वाली नहीं है, वो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा जो आठ आत्माएं हैं, उनकी पहचान ही है कि जब से ज्ञान में आई होंगी तब से उनका देह से मोह नष्ट हुआ पड़ा है औरों के मुकाबले, माने अपनी देह की तरफ ध्यान नहीं देंगी, उतना देह के पदार्थों की तरफ ध्यान नहीं मुंह देंगी कि नहीं मुझे खिचड़ी मिलेगी तो हम नहीं चल पाएंगे ज्ञान में, हमारा यहां से ट्रांसफर कर दो, उस सेंटर में इंचार्ज बहुत अच्छा भोजन बना के खिलाती है, देह के पदार्थ से बुद्धि नष्ट मोह, देह के संबंधियों से भी बुद्धि नष्ट मोह, जब से ज्ञान में आए होंगे सारे तन की ताकत, धन की ताकत, मन की ताकत कहाँ लगाई होगी? देह के संबंधियों में नहीं लगाई होगी, उनका तन मन धन समय संपर्क संबंध सारा कहाँ लगा होगा? उनके प्रैक्टिकल जीवन को देखो, ईश्वरीय सेवा में ही लगा होगा। हाँ बाबा, हाँ लेकिन यहाँ तो संस्कृत गीता में भी आते हैं, संस्कृत गीता में भी आते हैं काम एष क्रोध एष अनुलोभन समुद्भव, ये भी कहा है मन जीत जगत जीत और इंद्रिय जीत जगत जीत और काम जीत भी जगत जीत है। सो नष्टो कामो नष्टो क्रोध क्यों नहीं कहा? ऐसा क्यों नहीं कहा? काम में तो बुद्धि लगी हुई है, काम को भस्म नहीं करना है, कामना को देवताएं भी भस्म नहीं करते, कामना को जो तामसी कामना बन गई है उसको सात्विक बनाना है। क्या तामसी कामना बन गई है? दैहिक सुख की कामना बन गई है, देह के संबंधियों से सुख लेने की कामना हो गई है, देह के पदार्थों से सुख लेने की कामना हो गई है, वो तामसी कामना है। उस तामसी कामना को सात्विक बनाना है। क्या सात्विक बनाना है? आत्मिक स्नेह होना चाहिए। आत्मिक स्नेह वो दैहिक स्नेह से परे है। आत्मिक स्नेह का कनेक्शन आत्मा के बाप से है। और महावीर बनने लिए क्या पुशअप करना है बाबा? क्या महावीर बनने लिए क्या पुशअप करना है बाबा? हाँ, वीर क्या करता है? वीर क्या करता है? हैं? युद्ध करता है। वीर किसे कहा जाता है? जो युद्ध करने वाला है और कभी हार मानने वाला नहीं है उसे महावीर कहा जाता है। कैसे युद्ध करना? माया माने? माया माने अपने अंदर जो कमजोरियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन विकारों से युद्ध करना है, इनको छोड़ करके नहीं भागना है। सन्यासियों की तरह छोड़ करके भागने वाले को महावीर कहा जाता है, या घर गृहस्थ में रह करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीतने वाले को कहा जाता है, है? जीतने वाले को कहा जाता है। तो महावीर कैसे बनना है? एक बाप दूसरा नहीं, हाँ एक बाप दूसरा न कोई, ये बुद्धि में रखना है, लेकिन युद्ध पूरा करना है, काम से क्रोध से लोभ से मोह से, इनसे युद्ध करते समय भागना नहीं है। जैसे ब्रह्मा कुमारी यहाँ घर बार छोड़ करके भाग खड़ी हुई,
सन्यासी बन गई या गृहस्थी बन गई? सन्यासी बनी हुई। अब सन्यास में रह करके युद्ध किससे करेंगे? जंगल में रहेंगे तो विकारों से युद्ध करने की बात ही नहीं। और जब अर्जुन और कर्ण द्वंद्व युद्ध करते हैं ना, अर्जुन और कर्ण जब द्वंद्व युद्ध करते हैं ना, तब अर्जुन को भगवान ने अपनी सारथी बनाई और कर्ण ने शल्य को अपनी सारथी बनाया। कर्ण ने शल्य को बनाया, अपनी सारथी बनाया। शल्य का अर्थ क्या है बाबा? शल्य अपनी सारथी को क्यों बनाया? शल्य सारथी का अर्थ क्या है बाबा? शिला से बनता है शल्य। शिला कैसी होती है? पत्थर की तरह होती है। क्या पत्थर दिखने वाली नहीं होती है, लेकिन जड़त में ही बुद्धि होती है या चैतन्य बुद्धि होती है? हाँ, तो बहुत अंतर है भगवान सारथी में और शल्य में। कर्ण की सारथी शल्य हो गया बाबा। कर्ण तो कर्ण की सारथी हो गया ना। हाँ जी, तो कर्ण तो ब्रह्मा की पार्ट है। हाँ जी, ब्रह्मा जो है वो कान से सबसे जास्ती सुनता था ना, और कान से सबसे पहले सुनता था। अभी भी जो भी एडवांस ज्ञान है, जहाँ कहीं भी वो राम कथा होती है तो शास्त्रों में गायन है, जहाँ जहाँ राम कथा होती है हनुमान पहले उपस्थित तो हो जाते हैं। तो वो कान से सबसे पहले सुनते हैं और सबसे जास्ती सुनते हैं, इसलिए वो कर्ण है। कर्ण दसों इंद्रियों में सबसे जास्ती सुनने का काम किसका है? कान। और सबसे पहले कौन सुनता है? वही कान ही सुनता है। और इनकी सही है कौन है? बाप हर एक पार्ट को नहीं बताएंगे, खास खास बड़े बड़े पार्ट धारियों को इशारा देते हैं, नाम भी नहीं बताते। हाँ, और महादेव प्रत्यक्ष होने समय में पहले धुआं निकलता, बाद में डबरू बसता और बाद में महादेव प्रत्यक्ष होते हैं। महादेव सीरियल में जहाँ महादेव प्रत्यक्ष होने समय पर पहले धुआं निकलता, बाद में डबरू बसता, बाद में महादेव प्रत्यक्ष होते। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो धुआं है ना, धुआं वो आँखों को क्या कर देता है? अरे धुआं अगर ऐसा कमरे में बहुत भर जाए, कोई दिखाई नहीं पड़ता। गैस का सिलेंडर फोड़ दिया जाए, पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाले जब बहुत भीड़ हो जाती है और मारा मारी पत्थरबाजी हो जाती है तो पुलिस क्या करती है? गैस का गुब्बारा छोड़ देती है और चारों तरफ गैस ही गैस धुआं ही धुआं। तो भगवान जब आते हैं तो ग्लानी का धुआं फैल जाता है। बोलो, फैलता है कि नहीं है? फैलता है। बाहर की दुनिया में ही फैलता है या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी फैलता है और एडवांस की दुनिया में भी फैलता है? चारों तरफ धुआं फैल जाता है भगवान प्रत्यक्ष होने से पहले। तो धुआं फैला हुआ है या नहीं है? एक ग्लानी का धुआं है, आंखें अंधी हो जाती हैं, सच्चाई नहीं दिखाई पड़ती है और डमरू बजता है। वो सिर्फ देवताओं का ही रक्षक है या राक्षसों का भी रक्षक है? राक्षसों का भी बाप है या सिर्फ देवताओं का ही बाप है? दोनों का बाप है। दोनों को सपोर्ट करेगा
या एक पार्टी को ही सपोर्ट करेगा? दोनों को सपोर्ट करता है तो कैसा बजेगा? दोनों तरफ बजता है। और फिर बाद में प्रत्यक्षता होती है। हाँ जी बाबा, अर्जुन ने भगवान को विश्व रूप दिखाया। जब भगवान ने अर्जुन ने भगवान को विश्व रूप हाँ तब अर्जुन ने काम दे अर्जुन ने काम दे काम था क्यों क्या काम किया यार बाबा? वो भगवान को अपने साथी मानकर रखते हैं ना, इसलिए कांपता है कि वो तो भगवान को अपना सखा मित्र समझता था और मित्रता करके समानता आ जाती है। जब समानता समझी तो फिर थोड़ा उल्टा पलटा भी बोला जाता है कि नहीं? समानता समझ करके उल्टा पलटा कुछ बोला जाता है या नहीं? बोला गया। तो ये देख के कि अरे ये कौन है और मैं कौन हूं, कांप गया। और आज हिस्ट्री में तो कहते हैं कहां राजा भोज कहां गंगुआ तेली। कोई छोटा प्रजा का वर्ग का आदमी राजा के सामने लाया जाए तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे चलो उनकी तो बात छोड़ दो, किसी बड़े साहूकार के घर में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पुलिस को लेकर आ जाए तो क्या हालत हो जाती है? हालत खराब हो जाती है। ऐसे ही है, कहां नर और कहां नारायण। नहीं नरको नारायण बनाने वाला, बहुत अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। और बाबा बुद्ध ने आत्मा परमात्मा का जिक्र क्यों नहीं किया बाबा? हाँ, क्योंकि वो सूर्यवंशी था या औरवंशी था, थर्ड क्लास धर्म का था या फर्स्ट क्लास धर्म का था? अल्लाह के द्वारा स्थापन किया हुआ जो अव्वल नंबर का धर्म है सूर्यवंश, देवी देवता सनातन धर्म का स्थापन करने वाला था या थर्ड क्लास धर्म का मुखिया था? कौन था? थर्ड क्लास था। इसलिए उसने न भगवान के द्वारा बताए हुए आत्मा को जान पाया, आत्मा की गहराई को भी नहीं समझ पाया और आत्माओं के बाप को भी नहीं समझ पाया, स्वर्ग को भी नहीं समझ पाया कि भगवान आकर कैसे स्वर्ग रचता है। तो फिर वो वर्णन कैसे करेगा जब समझ ही नहीं पाया? इसके बारे में भगवान बुद्ध ने कहते हैं कि सारा ढेर सारा साहित्य दिया ज्ञान का और अच्छी अच्छी बातें ही सुनाई, अच्छे गुण धर्म सिखाए, लेकिन उन सब बातों के बीच में आत्मा का परमात्मा का स्वर्ग का जिक्र कहीं भी नहीं किया। हाँ जी, वो भी विधर्मी हो गया, विपरीत। विधर्मी तो है ही, लेकिन विधर्मियों में भी इस्लाम धर्म से भी नीचा धर्म है। इस्लाम धर्म वाले तो निराकार को भले मानते हैं लेकिन भगवान को मानते तो हैं। उनकी वाणी से साबित तो होता है कि भगवान की कभी साकार था। कहते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अब वो जानते नहीं है, फरमाएगा कैसे अल्लाह मियाँ? है मुख का आधार लिए बगैर फरमाएगा क्या? नहीं, लेकिन बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है।
कि वो निराकार साकार में आता है, फिर वाणी चलाता है। सीएम लोग भी निराकार को मानते हैं ना बाबा? हाँ जी। तो बौद्ध में बाद आ गए हैं, बौद्ध के बाद में आ गए कृष्ण। हाँ, वो और भी नीची प्रकृति के हैं, वो तो महादुष्ट हैं। क्या कैसे दुष्ट हैं? भारत की परंपरा रही है कि दूसरों को फालतू दुख नहीं देना है, अपने राज्य में सुखी रहना है, दूसरों के ऊपर फालतू आक्रमण नहीं करना। और क्रिश्चियनिटी क्या कहती है? हैं? सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना। हिस्ट्री में उन्होंने अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की या नहीं की? है? चाहे हिटलर हो, नेपोलियन हो, कोई भी हो, अलेक्जेंडर हो, सबने यही चाहा कि हम सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करके रखें, हिंसा के द्वारा। तो कितना फर्क हो गया? कहां महात्मा बौद्ध धर्म के अनुयायी, वो अहिंसक है और वो हिंसक। हाँ जी, है जो भगवत गीता में एक श्लोक है, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जितः। हाँ, यस्य सर्वे समारंभाः, जिसके सारे कार्य जिंदगी के, जिंदगी के सारे धंधे, जितने भी धंधे किए हों, जितने भी काम किए हों, वो काम संकल्प वर्जिता, काम विकार के संकल्प से रहित तो हों। ऐसा कोई दुनिया में है? नहीं, नहीं है। अगर नहीं है भाई। भूल जाता है घड़ी घड़ी। अगर नहीं है तो काम जीते जगत जीत कोई हो ही नहीं सकता। ये क्या रहा नहीं, नहीं। नंबर वार है, पूरा पूरा नहीं है। इंद्रिय जीते जगत जीत है, लेकिन थोड़े हैं। राजाएं थोड़े होते हैं या ज्यादा होते हैं? राजाएं थोड़े होते हैं और प्रजा ढेर की ढेर होती है। तो यहाँ भी दुनिया में ये साबित हो जाता है कि ईश्वरीय ज्ञान लेकर के, राजयोग सीख करके, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाले राजा बहुत थोड़े हैं, नंबर वार है। एक है 100% बाप समान, और बाप आते भी हैं यही विरुद्ध लेकर के, क्या मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा, किसी को एक, किसी एक को। नंबर वार आप समान बना के जाएगा ना, कि सबको एक जैसा। स्कूल में सब बच्चे एक जैसे पास होते हैं कि नंबर वार पास होते हैं? नंबर वार पास होते हैं। भगवान तो एक है, तो भगवान का बच्चा भी एक है। हाँ, गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन। पहलौटी का एक ही बच्चा होगा या दो चार दस इकट्ठे सूर्या की तरह जन्म ले लेंगे? हैं? एक ही बच्चा। कहते हैं देव देव महादेव, फिर कहते हैं ब्रह्मा देव विष्णु देव शंकर देव, ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। उन तीनों मूर्तियों में महादेव शंकर को कहते हैं। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? बड़ा बच्चा शंकर हुआ। बड़े बच्चे को ही भारतीय परंपरा में सदैव हिस्ट्री में राजा ही दी गई है। हिस्ट्री को उठा के देख ले, छोटे बच्चों को राजाई नहीं दी गई, बड़े बच्चे को राजाई क्यों देते हैं? क्योंकि बड़ा बच्चा जो है लंबे समय की पवित्रता की पावर से जन्म लेगा। क्या है दत्तात्रेय? क्या है तीन मुख्य दिखाते हैं दत्तात्रेय को? हाँ, टू शब्द है दत्तात्रेय। दत्तात्रेय, हाँ,
है? तीन मुख है ना बाबा? तीन मुखे हैं, लेकिन दो शब्द कहते हैं दत्तात्रेय। दो दो शब्द कहते हैं दत्तात्रेय। दो शब्द दत्तात्रेय। हाँ, दत्तात्रेय के शब्द में दो है ना बाबा, दो हिस्सा है। दत्तात्रेय, दत्तात्रेय, दत्तात्रेय के नाम में। त्रेय माने तीन के द्वारा दिया हुआ, दत्ता माने दिया हुआ, त्रेय माने तीन के द्वारा। तीन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। यज्ञ के आदि में पांच तो अभी नहीं है। यज्ञ के आदि में तीन थे, ब्रह्मा भी था, माता के रूप में था या पुरुष रूप में, दाढ़ी मूछ वाले में था, माता के रूप में था। विष्णु भी था न्यूट्रल रहने वाला, और शंकर भी था। तीनों ही थे, उन तीनों से किसने जन्म लिया? ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ सन 47 में। तो नाम बढ़ गया दत्तात्रेय, तीन के द्वारा दिया हुआ। ये विशेषता है उसमें, क्या कि वो गुण ग्राहक था। कौन? दत्तात्रेय गुण ग्रहण करता था कि कोई के अवगुण ग्रहण करता था? हैं? भले चारों ओर कुत्ते ही कुत्ते, तो भी कुत्तपना धारण करता था या कुत्तों का भी गुण धारण करता था? कुत्तों में क्या गुण होता है? नहीं, कुत्ता जो होता है मालिक के प्रति वफादार होता है। भले मालिक एक ही रोटी का टुकड़ा खिलाएगा तो भी अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। ये गुण ग्राहक था, इसलिए दत्तात्रेय प्रसिद्ध है। पालता भले कुत्तों को भी था, क्या कुत्ते जैसी कामी आत्माओं को भी पालता था। वो उसके चारों तरफ चक्कर काटती थी। श्लोक तो पूरा नहीं हुआ। पंडित हाँ, अर्थ बताओ। लेकिन बाबा ने साधारण रूप में इसका अर्थ तो बता दो ताकि सबको पता चले। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, हाँ, ज्ञान की अग्नि में जो विकर्म दग्ध होती है, हाँ, उसको ही पंडित कहा जाता है। हाँ जी, अपने पाप कर्मों को भस्म करने वाला पंडित कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है। किसको? जिसके सारे संसार के जितने भी कर्म हैं कर्म इंद्रियों से किए हुए, वो काम विकार के संकल्प से रहित हो, वो ज्ञानाग्नि से अपने पाप कर्मों को, जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को भस्म करने वाला पंडित कहा जाता है। तो देखो, जिसके अंदर काम विकार का संकल्प होगा या काम विकार भोगने वाला होगा, उसकी बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलेगा, ज्ञान का नहीं चलेगा, ज्ञान का संकल्प मात्र नहीं चलेगा। क्या संकल्प अगर चलता है, जैसे सन्यासी पत्नी को छोड़ तो जाते हैं, लेकिन जंगल में जाकर के स्त्री चोला याद आता है या नहीं याद आता है? याद आता है। काम विकार के संकल्प तो चलते रहते हैं, तो काम संकल्प वर्जिता कहाँ हुआ? काम विकार के संकल्प से रहित कहाँ हुआ? यहाँ तो बात है काम विकार का संकल्प भी ना आए, भले इंद्रियां जो हैं अपना कर्म करें। क्या इंद्रियां हैं तो कर्म करेंगी या नहीं करेंगी? काम इंद्रिय है तो काम विकार का संकल्प भी, वो काम विकार का कर्म भी करेगी, लेकिन कर्म करते हुए भी मन बुद्धि को कंट्रोल करके एक बाप की याद में लगाया जा सकता है या नहीं? लगाया जा सकता है।
प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो सकता, लगाया जा सकता है। तो ऐसी प्रैक्टिस जो करने वाला है वो संकल्पों को जाम कर सकता है, उसके संकल्प चलेंगे ही नहीं। चलो कोई आदमी रसगुल्ला खाता जा रहा है, बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ले बने हुए, और उससे बातचीत चल रही है, कहीं विदेश में बहुत बड़ा कारोबार स्थापन करना है, ऐसा बड़ा कारोबार जिसमें उसका सारा धन जाने वाला है, सारे संबंधियों की सारी ताकत, पत्नी बाल बच्चे सब उस कार्य व्यवहार में कल ही जाने वाले, ऐसी प्लानिंग हो रही है, रसगुल्ला खा रहा है मुख से, बुद्धि कहाँ है, बुद्धि कहाँ चली जाएगी, बुद्धि वहां रखी हुई है जहाँ उसका धन जाने वाला है, जहाँ उसका तन जाने वाला है, जहाँ उसके तन के संबंधी जाने वाले। तो फिर बाद में उसे वो रसगुल्ले का स्वाद याद आएगा, नहीं याद आएगा, क्योंकि बुद्धियोग उसमें था ही नहीं। जहां मन बुद्धि इंद्रियों के विषय में सहयोग नहीं करेगी, वहां इंद्रियों का कोई हिसाब किताब नहीं बन सकता है। बांधेली माता जो है, यही बात बांधेली माताओं की, बांधेली माताओं का मन कहाँ लगा हुआ है, शिव बाबा में लगा हुआ है, और तन पति पति के अंदर में, तन की इंद्रियां भी जब चाहे तब पकड़ लेता है, जबरदस्ती है अपना सुख भोगता है, लेकिन सुख भोगने में इंद्रियों का स्वाद पति ले रहा है या पत्नी ले रही है, कौन ले रहा है, पति, पत्नी ले रही है, पत्नी स्वाद लेती है नहीं लेती है, उसका लक्ष्य है हमें तो भगवान चाहिए, हमें ये दुष्ट दुख देने वाला नहीं चाहिए। जो आत्म का प्यार नहीं करता है, ये देह का प्यार करने वाला है, नहीं चाहिए, तो बुद्धि हटी हुई है वहां से। तो जब बुद्धि हटी हुई है तो जो इंद्रियों का सुख है वो उसको याद रहेगा, नहीं रहेगा। गणेश चतुर्थी त्योहार मनाते हैं, गणेश चतुर्थी त्योहार मनाते हैं, 10 दिन के बाद निमज्जन करते हैं, है? माता जी पूछ रही थी, वो हाँ? करते हैं विसर्जन करते हैं, निमज्जन करते हैं ना, हाँ? वैसे क्यों करते हैं ये माता जी पूछ रही थी। हाँ हाँ, पानी में डुबो देते ना, इसीलिए करते हैं कि संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं तो जो भगवान बाप को पूरी तरह न पहचानने वाले हैं वो कोई देवियों को पूजने लग पड़ते हैं, ब्रह्मा कुमारियों की पूजा करने लग पड़ते हैं, उनको तन धन धाम स्वर्ग परिवार सब कुछ अर्पण करते हैं। कोई गणेश हनुमान अथवा ब्रह्मा बाबा की पूजा करने लग पड़ते हैं, जो मुरली में बोला है, कोई मम्मा के पुजारी कोई बाबा के पुजारी, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। तो शिव बाबा डोरापा देते हैं कि देहधारी वो सब पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा का पार्ट किसका हुआ, गणेश का। उनकी 10 दिन पूजा होती है, क्या 10 दिन पूजा होती है, और लास्ट में जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है तो पोल पट्टी सबकी खुल जाती है, चाहे वो गणेश जी हो, हनुमान जी हो,
देवियां हों, सब की पोल पट्टी खुल जाती है कि अरे इन्होंने सबने नीचे गिराया है। असली चीज तो भगवान ही देने वाला, ऊंचा उठाने वाला, गति सदगति देने वाला तो भगवान ही है। तो जब असलियत पता चल जाएगी तो देवियों की मूर्तियों को, हनुमान की मूर्तियों को क्या करेंगे, क्या करेंगे, डुबोएंगे या नहीं डुबोएंगे? जो भी यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी या ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाने वाले बैठे, उन्होंने पहले एडवांस ज्ञान मिलने से पहले ब्रह्मा कुमारियों की अच्छी पूजा की थी, नहीं की थी? हैं? खूब पूजा की। लेकिन जब पता लग गया कि एडवांस ज्ञान देने वाला भगवान बाप आया हुआ है और भगवान बाप ये है, भगवान बाप उन्हें प्रैक्टिकल में मिल गया, तो फिर उनको त्याग दिया या कंधे पे चढ़ा लिया, क्या किया? त्याग दिया, डुबो दिया। नहीं डूबती है तो बुद्ध रूपी पाँव मार मार मर करके, क्या बुद्धि से निकाला हुआ जो ज्ञान है ना, वो उनको सुना सुना करके उनको डाउन कर देते हैं, डुबो देते हैं। और बाबा, अरे कोई बोल रहा है, बोलने दो ना, बाबा बाबा। हाँ, डोरापा बाबा। डोरापा माने? डोरापा माने किसी को उलहना देना, क्या है अंग्रेजी में? डोरापा देना, उलहना देना, ये हिंदी और उर्दू का शब्द है। उलहना देने का मतलब यह है, बाबा कहते हैं सबको संदेश दो, कोई बाद में ये ना कहे अरे तुम हमारे रोज संसर्ग संपर्क में संबंध में आते थे और तुमको भगवान मिल गया, तुमने हमको नहीं बताया। इसको कहते हैं उलहना देना। पॉइंट आउट कर रहे हैं क्यों हमको बताया नहीं बाप के बारे में। उलहना देना, डुरापा देना, नहीं समझ में आया? निंदा। हाँ, 108 की माला है ना बाबा? हाँ जी। ये 108 माला में जगदम्बा 108 की मान्यता है ना बाबा? हाँ जी। जगदम्बा, जगदम्बा 108 की मणका है ना बाबा? 108 की माला का मणका है? मणका कौन सा मणका है? मणका। हाँ, विजय माला और रुद्र माला दोनों का मणका है या सिर्फ रुद्र माला का मणका है? दोनों का मणका है। विजय माला में आती है? रुद्र माला की। रुद्र माला का मणका है। हम्म, परंतु जगदम्बा चंद्रवंशी की हेड है ना बाबा? है, जगदम्बा चंद्रवंशी की हेड है ना? अगर चंद्रवंशी की हेड जगदम्बा है तो जगदम्बा जो आदि में है सो अंत में पंजाब से निकलना चाहिए या चंद्रवंशियों से निकलना चाहिए? चंद्रवंशी। फिर कहाँ से निकलती है? पंजाब से निकलती है। पंजाब से निकलती है। और बाबा, तो ये 108 की मणका के माला में बाएं ओर से सूर्यवंशी है और दाएं ओर में चंद्रवंशी। अच्छा, है जिधर माला इधर घुमा दो तो सूर्यवंशी इधर हो गए, फिर इधर घुमा दो तो चंद्रवंशी इधर हो गए। हाँ, उनका उनका नंबर 108 है ना बाबा? हाँ जी। तो चंद्रवंशी का हेड है तो भी उनका नंबर 108। हाँ, तो चंद्रवंशी में अगर चंद्रवंशियों में अगला 11 चंद्रवंशियों में सूर्यवंशियों में जो अव्वल नंबर मणका होगा वो ज्यादा निश्चय बुद्धि होगा या लास्ट नंबर का मणका ज्यादा निश्चय बुद्धि होगा? अगला नंबर, अव्वल नंबर है, पहला नंबर ज्यादा निश्चय बुद्धि होगा, ज्यादा निश्चय बुद्धि होगा। तो ऐसे ही रुद्रमाला में समझ लो कि रुद्रमाला में पहला मणका कौन है और लास्ट मणका कौन है? जगदम्बा। बस, लेकिन जगदम्बा का नंबर ये 108 सभी बाप के नजदीक है, दोनों शिव बाप के दोनों ही समान रूप से नजदीक हैं। क्यों?
क्योंकि जो बाप है वो स्थापना करने वाला भी है। क्या बाप क्या है? नई राजधानी स्थापन करने वाला है, और जो शक्तियां हैं वो जो नई राजधानी स्थापन होती है, बाप स्थापन करता है, वो नई राजधानी पुरानी बन जाती है, असुरों का कब्जा हो जाता है, उन असुरों का विनाश करने वाली है, आसुरी राजधानी का सत्यानाश कर देने वाली है। तो वो विनाश कारिणी है, विनाश होगा तो स्थापना प्रत्यक्ष होगी, या बिना विनाश हुए स्थापना प्रत्यक्ष हो जाएगी? विनाश होने के बाद ही नई दुनिया प्रत्यक्ष होगी। इसलिए वो लास्ट मन का भी भगवान को उतना ही नजदीक है कि जो काम कोई भी नहीं करता है वो काम जगदम्बा करके दिखाती है। लेकिन उनकी रैंक अगले मनकम से बहुत छोटा हो गया ना बाबा है? उनकी रैंक 108 हो गया ना बाबा? लास्ट रैंक हो गया। हाँ? उनके रैंक अगला मनकम से बहुत छोटा हो गया ना? हाँ? क्यों छोटा हो गया? बहुत तो इसलिए छोटा हो गया कि विनाश करना ज्यादा अच्छा है या स्थापना करना ज्यादा अच्छा है? स्थापना करना, मकान बनाना अच्छा है, मकान का निर्माण करना अच्छा है, या मकान ध्वंस करना अच्छा है? मकान बनाने वाले को ज्यादा पैसे मिलते हैं या मकान तोड़ने वाले को ज्यादा पैसे मिलते हैं? किसको मिलते हैं? बनाने वाले को ज्यादा पैसे मिलते हैं। हाँ बाबा, वो 108 आत्माएं जो है एक धर्म एक देश की है या सारे वर्ल्ड की है? बीज सारे वर्ल्ड की बीज। तो सारे वर्ल्ड की जो बीज है संगम युग में, वो बीज जब तैयार हुए होंगे तो सारे वर्ल्ड में बिखरे हुए होंगे या एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे? सारे जगह। सारे वर्ल्ड में बिखरे हुए थे। क्यों? कोई सूर्यवंशी, कोई और वंशी। स्थापना कौन से वंश की होनी है? सूर्यवंशी की स्थापना होनी है, और वंशों का ध्वंस होना है। तो बीज का तो कभी ध्वंस होता ही नहीं। हाँ, बीज पर जो छिलका चढ़ा हुआ है वो छिलका उतर जाता है। कोई पे मोटा छिलका चढ़ा हुआ है और कोई पे पतला छिलका चढ़ा हुआ है। कोई में ज्यादा डंडे लगते हैं धर्मराज के और छिलका उतर जाता है, और कोई में कम डंडे लगते हैं और छिलका उतर जाता है। तो ज्यादा डंडे किसको लगते होंगे और कौन से बीजों को कम डंडे लगते होंगे धर्मराज के? नहीं, जो सूर्यवंशियों के नजदीक होंगे, जो सूर्यवंशियों के नजदीक होंगे, भारतीय धर्म मूल के होंगे, जैसे बौद्ध, सन्यासी, सिख, आर्य समाज वगैरह वगैरह, उनको कम डंडे, और जो लेफ्टिस्ट होंगे उनको ज्यादा डंडे। हिसाब है तो बताओ, जिन्होंने ज्यादा ग्लानी की होगी वो भगवान के ज्यादा नजदीक होंगे, या जिन्होंने कम ग्लानी की होगी, महिमा ज्यादा की होगी, वो भगवान के ज्यादा नजदीक रहेंगे अंत में? जिन्होंने कम ग्लानी की है वो भगवान के नजदीक नजदीक होंगे, नजदीक देशों में, कोई नेपाल में, कोई बर्मा में, कोई मलाया में, कोई लंका में, नजदीक होंगे। और जिन्होंने बहुत ग्लानी की है
वो दूर देशों में पटके जाएंगे, सदगुरु निंदक ठौर न पावे, भगवान का ठौर नहीं मिल सकता उनको। तो विनाश के टाइम पर दूर फेंके जाएंगे या नजदीक में रहेंगे? दूर फेंके जाएंगे। अब समझ में आया कि जो 108 के मणके हैं वो सारी दुनिया में फैले हुए होंगे, अंतिम विनाश के समय बर्फ जब सारी दुनिया को ढक लेगी या भारतवर्ष में इकट्ठे होंगे? हाँ, मेरा बच्चा इतना मुझे गाली की और दूसरी नहीं की भाई, सभी विधर्मी लोग हैं। मेरा बच्चे इतना ग्लानी की मुझे, हाँ मेरे बच्चे ही मेरी इतनी ग्लानी करते हैं जितना दुनिया में कोई नहीं करते। अरे ये सभी विधर्मी बीज जो है, हाँ जी नंबर बात। और शंकर को ज्ञान की तीसरा नेत्र मिल गया ना? हाँ जी। जगदम्बा को दिखा देते हैं ज्ञान की तीसरा नेत्र? दिखाते हैं। क्यों जगदम्बा को दिखाते हैं बाबा? ज्ञान की शंकर ही बाबा मुरली में बताए हैं, शंकर को ही ज्ञान की नेत्र दिखाना पड़े। उसे ज्ञान नेत्र का नाम क्या है? शिव नेत्र नाम क्यों है? ब्रह्मा नेत्र नाम क्यों नहीं? शिव ही प्रवेश करता है ना, रुद्रमाला के मणकों में कौन प्रवेश करता है? पहले तो शिव है ना, तो यज्ञ के आदि में जो जगदम्बा थी उसमें शिव ने प्रवेश करके वाणी चलाई या नहीं चलाई? चलाई। तो तीसरा नेत्र मिलता है। जैसे शंकर को तीसरा नेत्र है, महाकाली को भी तीसरा नेत्र है। ओम शांति। लेटर लेटर लो, ये लेटर लेटर, चलो भाई एक लेटर लेटर है। बाबा 2018 के बाद पुरुषार्थ बच्चों का चलेगा क्या? और माने 2018 में ही सब बच्चे संपन्न हो जाएंगे? पूछने वाले का मतलब ये है, अगर 2018 तक ही सब बच्चे संपन्न हो जाएंगे तो बाबा ने 40 से 50 वर्ष क्यों बोला तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने का? है 40 वर्ष ही बोल देते, 10 वर्ष का मार्जिन क्यों दिया? है इसलिए दिया कि सब बच्चे नंबरवार संपन्न बनेंगे, एक साथ संपन्न नहीं बन सकते। 2018 में एक के लिए बोला होगा या सबके लिए बोला होगा? आठ के लिए बोला होगा या सबके लिए बोला होगा? आठ के लिए बोला। लो तेरा तुझको।